सन 1941 के पहले का समय, जब दुनिया में किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक दवाई का अस्तित्व नहीं था, उस वक्त एक छोटी सी खरोच भी इंसान की जान ले लेती थी और कई सारे इन्फेक्शंस ऐसे थे जिसका कोई इलाज ही नहीं था। और ये सब कुछ करता कौन और कोई नहीं लेकिन आँखों से न दिखने वाले सूक्ष्म बैक्टीरियाज। तो फिर ये बैक्टीरियाज क्या है? बैक्टीरिया को मारने वाली एंटीबायोटिक दवाई क्या है? ऐसी एंटीबायोटिक दवाई की शोध कैसे हुई? ये दवाई कैसे कार्य करती है? और आज के समय में ऐसी एंटीबायोटिक दवाई के व्यापक रूप में उपयोग से हो रहे एंटीबायोटिक दवाई का रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो फिर हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियकांत वघासिया और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखते रहने के लिए फैक्ट फाइंडर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बैक्टीरिया एक कोशीय फ्री लिविंग और पृथ्वी पर व्यापक रूप से सभी जगह पर पाए जाने वाले जीव है। ज़्यादातर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में आते हैं और ये कुछ पृथ्वी पर प्राथमिक तौर पर बसी जैव शैली में से है। ज़्यादातर बैक्टीरिया इंसान के दोस्त होते हैं और हमारे लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे दुश्मन भी होते हैं जो हमारे लिए विविध प्रकार की बीमारी का कारण बन जाते हैं। और ऐसे ही दुश्मन बैक्टीरिया कई बार जानलेवा साबित होते हैं। सन 1920 में जब स्पेनिश फ्लू फैला तो उसके बाद बहुत सारे विज्ञानी रिसर्च पे लग गए थे। सन 1928 में एक स्कॉटिश विज्ञानी एलेक्सेंडर फ्लेमिंग ऐसे ही सूक्ष्म जीव पे प्रयोग कर रहे थे। वो वेकेशन के लिए घर से बाहर गए थे। जब उसने वापस आकर अपने प्रयोग वाली पेट्री डिश में देखा तो कुछ डिश में फंगस जमा हो गई थी। उसने उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो उस फंगस के आसपास नज़दीक में से बैक्टीरिया की कॉलोनी खत्म हो गई थी। ये फंगस पेनिसिलियम नोटेटम प्रजाति की थी। एलेक्सेंडर फ्लेमिंग ने पाया कि यह फंगस कुछ ऐसे द्रव्य का स्राव करती है जो बैक्टीरिया के लिए हानिकारक है। ये फंगस अपने ग्रोथ को बनाए रखने के लिए पेनिसिलिन नाम के द्रव्य का स्राव करती थी जो बैक्टीरिया की कोष की दीवार को विक्षेपित कर देता था। और इसी तरह से बहुत सारे प्रजाति के बैक्टीरिया पे ये द्रव्य पेनिसिलिन हानिकारक था। आपको ये जान के हैरानी होगी कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में गोलियों से ज़्यादा मौतें घाव पकने की वजह से हुई है, क्योंकि उस वक्त कोई एंटीबायोटिक दवाई का अस्तित्व ही नहीं था। तो फिर एक बार घाव पक जाए तो उसका कुछ उपाय ही नहीं बचता था। कुछ पारंपरिक दवाइयाँ दी जाती थी जो इतनी कारगर नहीं थी, या तो फिर पके हुए घाव वाले हिस्से को ही काट दिया जाता था जिससे इंसान परमानेंटली विकलांग ही बन जाता था। सन 1940 यूके में एक आग की दुर्घटना हुई। बहुत सारे लोगों को प्लास्टिक सर्जरी करके स्किन ग्राफ्टिंग की गई। ये स्किन ग्राफ्टिंग स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए अच्छा स्थान देता, मगर उस वक्त पेनिसिलिन द्रव्य का उपयोग किया गया जिससे काफ़ी हद तक इन्फेक्शन और घाव कम हो गए। इस बनाव के बाद बहुत सारी ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनी पेनिसिलियम नोटेटम फंगस में से पेनिसिलिन द्रव्य निकालकर दवाई के रूप में उपयोग करने के लिए आगे आई और दूसरे विश्व युद्ध में पेनिसिलिन के उपयोग से बहुत सारे सैनिकों की जान बचा पाए। उस वक्त पेनिसिलिन को एक जादुई दवाई माना जाता था और कहा जाता था कि अब सभी बीमारी का इलाज मौजूद है। मगर क्या ऐसा हुआ? पेनिसिलिन के आविष्कार से सभी हानिकारक बैक्टीरिया का सफाया हुआ? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके बजाय बैक्टीरिया ज़्यादा इवोल्व होते चले गए और अब तो पेनिसिलिन के खिलाफ बहुत सारे बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एंटीबायोटिक दवाई कार्य कैसे करती है। मुख्य रूप से दो प्रकार की एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है, बैक्टेरिसाइडल और बैक्टेरियोस्टेटिक। बैक्टेरिसाइडल एंटीबायोटिक दवाइयाँ बैक्टीरिया को ढूंढकर मार देती है और वैसे ही उसका सफाया कर देती है। एमिनोग्लाइकोसाइड, सिफेलोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोलोल्स, मेट्रोनिडाजोल, पेनिसिलिन, वेंकोमाइसिन आदि दवाइयाँ बैक्टेरिसाइडल दवाइयों का उदाहरण है, जबकि बैक्टेरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देती है, या फिर यू कहे कि आगे ग्रोथ नहीं होने देती। क्लोराम्फेनिकोल, क्लिंडामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, सल्फामिथोक्साजेट, टेट्रासाइक्लिन, ट्राइमिथोप्रिम आदि बैक्टेरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक के उदाहरण है। तो फिर ये सवाल जरूर पैदा होता है कि क्यों ना हम केवल बैक्टेरिसाइडल एंटीबायोटिक का ही उपयोग करें, बैक्टीरिया खत्म बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बात की, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे दोस्त हैं। ये हमारे शरीर के भीतर और बाहर हर जगह पर मौजूद है। हमारे बहुत सारे कार्य जैसे कि खुराक का पाचन, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन के लिए बहुत उपयोगी है और उसके बिना शायद हमारा जीवन संभवित भी नहीं है। अब अगर हम सिर्फ बैक्टेरिसाइडल एंटीबायोटिक दवाई का उपयोग करते हैं तो वो हमारे दोस्त बैक्टीरिया को भी खत्म कर देंगे जो हमारे लिए हानिकारक साबित होगा। इसलिए एंटीबायोटिक का उपयोग सोच समझ कर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस के बारे में। जब कोई भी डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है तो होता यूँ है कि कुछ आधी दवाई खत्म होते होते बीमारी के लक्षण कम हो जाते हैं या फिर चले जाते हैं। तो हम ऐसी एंटीबायोटिक का पूरा डोज खत्म नहीं करते हैं और ये होता यूँ है कि कुछ बैक्टीरिया जिंदा बच जाते हैं।
वो निष्क्रिय हालत में हमारे बॉडी में रहते हैं और उसकी इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबायोटिक्स दवाई का सामना करने का रास्ता ढूंढ लेती है जिससे उसकी आने वाली पीढ़ियाँ इवोल्व हो जाती है और ऐसी एंटीबायोटिक के सामने रेजिस्टेंस पैदा कर देती है। ऐसे हालात में हमें उससे हायर एंटीबायोटिक पे जाना पड़ता है और ऐसे ही धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा होता चला जाता है। इसीलिए एंटीबायोटिक्स दवाई का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। ज़रूरत न होने पर उपयोग ना ही करें तो अच्छा है और अगर उपयोग करते हैं तो पूरा डोज खत्म करना चाहिए क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक दवाई बनाने के रिसोर्सेस मर्यादित है और हायर एंटीबायोटिक का उपयोग हमारे लिए भी कुछ हद तक नुकसानकारक ही होता है। तो फिर दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।